मत कहिए थी। अब जानती ना मैं इस बच्ची से कितना प्यार करता हूं। ये मेरी बच्ची है। दीदी कहिए जो कुछ भी आपने कहा झूठ है। ये मेरी बच्ची है, मेरा अपना खून है। कहिए ना। नहीं समझ। मैंने जो कुछ भी कहा वही सच है। ये बच्ची तुम्हारी नहीं है। कावेरी ने हम सबसे झूठ कहा था कि उसने इस बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि उसने इस बच्चे को गिनी से खरीदा है। आज तक तेरी हर गलती से मुंह मोड़ता है, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुझे कुछ तकलीफ पहुंचे। और बदले में मैंने क्या मांगा? एक छोटी सी चीज, मेरा बच्चा, मेरा अपना बच्चा। तुमने एक झूठ, एक फरेब को लाके मेरी गोद में रख दिया। मैं खुशी से पागल हो गया। उस बच्ची को देख देख के खुश होता रहा जो मेरी अपनी बच्ची ने। अब तक तुमने वो किया जो तुम्हें करना था, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। निकलो! मेरी बात तो सुनिए।
जाओ यहाँ से और दोबारा इस घर में कदम तक नहीं रखना। आपसे बढ़कर मेरा दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर, प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, मगर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। समर, मैंने जो भी कुछ किया वो आपके लिए, आपकी खुशी के लिए किया समर, प्लीज। काश कावेरी तुमने अपने अलावा किसी और की खुशी के बारे में सोचा हो। तुम्हें तो सिर्फ अपनी खुशी, अपनी जिंदगी और अपनी ख्वाहिशों से प्यार। इनफैक्ट तुम जैसी खुदगर्ज औरत तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी। शर्म आती है मुझे कि मैंने तुम जैसी औरत से प्यार किया। प्लीज यहां से जाओ और मेरी जिंदगी से चली जाओ और आइंदा अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाओ। संभालो अपने आप को, हम सब जानते हैं तुमने गीता से कितना प्यार करते हैं। इतने बड़े सच को जानकर तू कौन स्वाभाविक है? मैं जानती थी समर तुम पूरी तरह टूट जाओगे, बहुत तकलीफ होगी तुम्हारे मन को, इसलिए पहले नहीं बताया तुम्हें। सलोनी, ऐसी बात को छिपाया नहीं जा सकता है, कभी ना कभी तो ऐसी बात बाहर आने ही वाली है ना। जितनी देर से ये बात बाहर आती समर को ज्यादा दुख होता। तुम्हें जैसे ही कावेरी के बारे में पता चला तुम्हें सबको बता देना चाहिए था। मैं बताना चाहती थी काकी सर, हॉस्पिटल में समर के पास गई भी, लेकिन जिस तरह समर निकिता के लिए परेशान था मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं जानती हूँ कावेरी ने बहुत बड़ा झूठ कहा है, लेकिन प्लीज उसे माफ कर दो। नहीं कर सकता, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट, दोबारा कावेरी का नाम इस घर में मत लीजिएगा। समर, कावेरी सच में तुम्हें बहुत चाहती है, तुम्हारे लिए उसने ये सब किया है। नहीं करती तो अच्छा था दीदी, अगर वो मुझे पहले ही बता देती कि बच्चा गिर गया तो शायद मुझे उससे कोई शिकायत नहीं रहती, सारी उम्र बे औलाद रहता। लेकिन जो कावेरी ने अब किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। समझ, तुम तो जानते हो वो कुछ भी कर सकती है। मैं कावेरी को दोबारा इस घर में नहीं आने दूंगा, ये समझ लीजिए कि मर गई है मेरे लिए। लेकिन इस भूल को भुलाना नामुमकिन है। चली जा यहां से, चली जा कावेरी, तुझसे कोई रिश्ता नहीं हमारा, निकल जा। आज मेरा मायका भी
मेरा ना रहा, डैड ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? उसकी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। कावेरी कुछ भी कर सकती है। हम तो सोच भी नहीं सकते क्या कोई भी इंसान इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। किसी की भावनाओं के साथ कोई कैसे खेल सकता है। अरे वृंदा ये तो कुछ भी नहीं है, तुम अभी अभी छोटी सी दुनिया से शहर में आई हो, देखती जाओ यहाँ लोग अपने मतलब के लिए क्या क्या कर बैठते हैं। हम वो सब नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि कोई भी इंसान जो बुरा काम करते हैं ईश्वर उनका भला कभी नहीं करते, और जो हमेशा सबका भला करते हैं ईश्वर उनका बुरा नहीं होने देते। हैरानी होती है मुझे कावेरी की सोच पर, उसे इतना सा भी ख्याल नहीं आया कि जिस दिन समर को इस बात का पता चलेगा उस दिन उसका अपना घर ही बर्बाद हो जाएगा। जेश मुझे तो बच्चे की चिंता हो रही है, वो नन्ही सी जान क्या होगा उसका। क्यों गिन्नी है ना? गिन्नी वो तो बच्ची का पालन पोषण करने के लायक भी नहीं है, कावेरी के हाथ भेज दी बच्ची वो उसकी क्या जिम्मेवारी लेगी। तो समर ने कावेरी को भी घर से बाहर निकाल दिया है। गिनी ये सब क्या है? मैं जा रही हूँ दीदी, किस्मत में शायद इस घर से इतने दिनों का दाना पानी लिखा होगा। लेकिन गिनी इस तरह अचानक जाने का फैसला क्यों लिया तुमने? सलोनी दीदी अब मेरी असलियत सबके सामने आ गई है, शायद पिछले जन्म में गलती से मैंने कोई अच्छा काम किया होगा, जो आप लोगों का इतना प्यार और सम्मान मिला मैं इसे खोना नहीं चाहती, पूरा जीवन इस प्यार के सहारे बिताना चाहती हूँ। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ मुझे तुम्हारे अतीत से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी औरत बिना किसी बड़ी मजबूरी के ये जीवन नहीं चुनती जो तुमने चुना। आपका दिल बहुत बड़ा है दीदी, लेकिन ये समाज परिवार बिरादरी तो ऐसा नहीं सोचती ना। जब ये बात इस घर की चार दीवारी से बाहर जाएगी कि इस घर ने किसी धंधे वाली को पना दी तो बदनामी आप सबकी होगी। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं गिनी, मैं ऐसे समाज को नहीं मानती जो किसी की तकलीफ बांटने या किसी की समस्या का हल बताने के बजाय सिर्फ उंगली उठाना जानता है, और वैसे भी इस वक्त मुझे सिर्फ निकिता की चिंता है। क्या ये बिरादरी वाले इस बच्चे को चुप कराने यहाँ आ जाएंगे? क्या इसकी माँ की जरूरत पूरी करेंगे? नहीं गिनी इसलिए कह रही हूँ, मुझे सिर्फ इस दूधमुहे बच्चे की फिक्र है जो शायद शायद अपनी माँ के बिना भूख से। चुप हो जा बेटा चुप हो जा, कितना रोएगी देखिए ना पापा। मैं सुनाती हूँ। देखा ये है माँ उसकी ममता, एक बच्चा जो बोलना तक नहीं जानता स्पर्श से समझ जाता है कि वो किसकी गोद में। पर कावेरी उसे तो लगता है कि हर चीज बाजार से खरीदी जा सकती है, बच्चा खरीद के ले आई लेकिन मां नहीं बन पाई। नादान है कावेरी, घर बैठे भूली। लेकिन घर के बहू को इस तरह से बाहर नहीं निकाला जाता बेटा। नहीं पापा, कावेरी ने मेरे जज्बातों का मजाक उड़ाया, मेरी उम्मीदों को एक ही पल में चकनाचूर कर दिया। मैं कावेरी को इस घर में दोबारा कभी कदम तक नहीं रखने दूंगा। नहीं देखा जाता मुझसे, समर का दुख नहीं देखा जाता। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की खुशियां उजड़ गईं, घर टूट गए और मैं कुछ नहीं कर सका। पापा इस तरह दुखी नहीं होते, समर को हम सबकी जरूरत है खासकर आपकी। इस समय समर बहुत अकेला है, चलिए उसके पास चलते हैं।
समर साहब के सुखी परिवार में मेरे ही कारण इतना बड़ा तूफान आया है। मेरे मनहूस कदम क्या पड़े इस घर में, सब कुछ बदल गया। हरि सिंह जी, मुझे बहुत भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए ले आइए। जी हुकुम। हम लेकर हैं, आप बताइए आप क्या खाएंगे, हम बनाते हैं। कुछ भी चलेगा जो जल्दी बन जाए। हाँ लेकिन नूडल्स छोड़कर, वो मुझे पसंद नहीं। क्या नू नू? अरे कुछ नहीं, आई मीन कुछ भी चलेगा जी। अच्छा आप हमारे साथ चलेंगे? वो अंग्रेजी चूल्हा तो आप ही जलाएंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए चलिए जी। चलिए हरी काका। देखो बिटिया, अंग्रेजी चूल्हा जलाना बहुत आसान है, ये बटन दबाया ऐसे और ये माचिस लेके हमने ये जल गया। अच्छा ये तो झटपट चूल्हा जला दिया हमने। और बोलो और क्या करना है? और कुछ नहीं, आप जाइए हम सब कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं घर के दूसरे काम देखता हूँ। हाँ ठीक है बेटिया, संभाल के करना। जी काका। क्या बनाए? पराठा बनाते हैं। अरे बाप रे, हम भी कितने मूर्ख हैं। हरी काका से कहा था कि नहीं जरूरत उनकी, भेज दिया उनको, अब इस चूल्हे को कैसे बंद करें? लीजिए, आपके लिए गरम गरम पराठा बनाए हैं। वेरी गुड। क्या हुआ, आप उठ क्यों गए? ये तो गैस की स्मेल कहाँ से आ रही? क्या हुआ, रसोई में कोई काम है? ठाकुर जी अरे ये गैस की भूख कहाँ से आ रही है? ये देखिए वो बिंदा बिटिया, गैस का चूल्हा बंद करना भूल गई होंगे हुकम। तुम करना क्या चाहती थी, गैस का बर्नर बंद किए बिना बाहर चली आई? नहीं हमने बंद किया था, बुझाया था हमने पानी डालकर। ये पानी से बंद नहीं होता है, जब तुम्हें पता नहीं था तो किसी से पूछ लिया होता, सारा घर जल के राख हो जाता, साथ में हम सब भी। जब कोई काम नहीं आता तो करते क्यों? तुम्हारी वजह से किसी ना किसी दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, समझे तुम? पर इन चीजों में हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, समझ तो गई ना कि क्या भूल की थी तुमने। भाबो ठाकुर जी ने कुछ नहीं खाया, उन्हें बहुत भूख लगी थी। वो खा लेंगे, तू चिंता मत कर, अभी बहुत गुस्सा है ना, जब गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा ना तो खा लेंगे। हम भी क्या करते हैं भाबो, पूरा जीवन हमने सिर्फ लकड़ी और कांडे का चूल्हा ही जलाया है, ये सब आता ही नहीं है हमें। हाँ तो मैं सिखा दूंगी तुझे। आप सच में हमें सब सिखा देंगी? भाबो आप कितनी अच्छी। खाना खा लो समर। भूख नहीं है दीदी। ऐसे कैसे भूख नहीं है?
भूख कैसे नहीं है? सुबह से कुछ नहीं खाया ना आपने? मन को तो समझाना होगा ना बेटा, आखिर बिना खाए पिए कब तक रह सकता है कोई? पापा मैं चाहकर भी नहीं बुला पा रहा जो कावेरी ने किया है मेरे साथ, और शायद बुला भी नहीं पाऊंगा। मैं सोच भी नहीं सकता कोई अपना मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता। मेरी फीलिंग्स की जरा भी कदर नहीं की उसने। पापा कोई और करता ना तो शायद मैं उसे माफ कर देता। मैंने उसकी हर गलती के बावजूद उससे प्यार किया, उस पर भरोसा किया। उसने मेरे भरोसे को एक ही झटके में खत्म कर दिया। मुझे गिन्नी और उसके बच्ची से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं है उनसे। इन चंद दिनों में कितना प्यार हो गया था मुझे उस बच्ची से। एक बात तय है पापा, भले निकिता मेरी बेटी ना हो, मैं उसका बाप ना हूं, लेकिन वो मेरी जिंदगी बन चुकी है। मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह से एक बाप अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारियां उठाता है। ये बहुत अच्छी बात कही बेटा। जो कुछ भी हुआ उसमें उस बच्चे का क्या दोष? पापा अगर ठीक समझे आप तो गिन्नी को भी हम यही रख लें। हमें कोई हक नहीं बनता उसकी बच्ची से उसे दूर रखे। गिन्नी के बहुत एहसान है बेटा हम पर। कोई रिश्ता ना होते हुए भी उसने सलोनी की कितनी मदद की। उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी हमारी ही होनी चाहिए। सलोनी बेटा, बेटा गिन्नी को भी खाने के लिए बुला लो। जी पापा। गिन्नी, गिन्नी कहाँ चली गई? निकिता भी नहीं।